मैंने पाकिस्तान से उमरे की नियत की थी। जब मैं मक्का पहुंची तो मेंसेस की हालत में थी, मेरे लिए 10 दिन अहराम में रहना मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने बाल काटे, साबुन इस्तेमाल किया। 10 दिन के बाद मैंने मस्जिद आयशा से अहराम बांधा और उमरा की कज़ा की। क्या इस सूरत में दम है मुझ पर? नीज मेरे लिए असल हुक्म क्या था अगर ये मैंने दुरुस्त नहीं किया? जी, इनको जाते हुए तो हालत ठीक थी, इन्होंने अहराम बांध लिया, वहाँ जाकर इनको अयाम आए। तो पहले तो मैं बताता हूँ इन्हें करना क्या चाहिए था। तो इनको चाहिए था कि ये अहराम की हालत में 10 दिन गुजारती और जब पाक हो जाती, यानी 10 दिन या जितनी भी मुद्दत है, उसके बाद फिर ये अहराम की हालत में उम्रे को कंटिन्यू करके ख़त्म कर देती। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले ही कसर कर ली और ये इनके लिए जायज़ नहीं था। और ये अहराम से निकली भी नहीं, सही, क्योंकि अहराम से उस वक्त निकलते हैं जबकि आपके लिए उम्रा करना या हज करना मुमकिन ना हो, लेकिन इनके लिए तो मुमकिन था। इन्होंने सिर्फ सुस्ती की वजह से इस तरह से बाल काट लिए। तो अगरचे इनकी नीयत भी थी इससे निकलने की, लेकिन अभी ये अहराम से नहीं निकली। फिर इन्होंने अगला काम ये किया कि कज़ा की नीयत से दोबारा से अहराम बांधा और इसकी वजह से दो उम्रों का अहराम हो गया। पहले से एक अहराम ख़त्म नहीं हुआ था और दूसरा अहराम भी आ गया। तो इनको मैंने अर्ज़ किया कि चाहिए तो ये था कि ये दूसरा अहराम नहीं बांधती बल्कि उसी हालत में जाकर कर लेती हैं। और अगर इन्होंने कसर भी कर लिया था तो भी इनके लिए हुक्म ये था कि क्योंकि अभी तक ये हालत अहराम में है तो नए उम्रे की नीयत ना बांधें। सही। तो इन्होंने नए उम्रे की जो नीयत बांधी ये भी एक गलती इन्होंने की। उसके बाद फिर इन्होंने जो तवाफ़ वगैरह सब करके आखिर में बाल कटवा लिए तो इससे ये दोनों अहरामों से निकल गईं। अब हुक्म इनका यह है कि इनको के ऊपर एक दम तो आएगा कि इन्होंने हालत अहराम में कसर किया, बाल काटे, और आगे चलकर फिर इन्होंने दूसरा उम्रा भी पहले अहराम की हालत में शुरू किया। तो इस तरह उन्होंने दो उम्रों को जमा किया, तो इसकी वजह से भी इन पर एक दम आएगा। ठीक। और इन्होंने लिखा है कि जब इन्होंने कसर किया तो उसके बाद इन्होंने साबुन वगैरह भी लगाया मुख्तलिफ, तो 10 दिन में इन्होंने कुछ जिनायत की होंगी, उन सब जिनायत में भी तदाखुल होगा और एक दम उसका भी आएगा। तो इनके लिए यानी अब हुक्म यह है कि इनका उम्रा तो हो चुका है एक, यानी जो इन्होंने दूसरे नंबर पे किया था वो हो चुका है, एक उम्रे की कज़ा इनके ऊपर है और तीन दम है इनके ऊपर।